Hello students, I hope all of you will be very fine. But students, today our subject is Fundamental of Computers for BB 5th semester. And students, today our the most important topic is Internet Terminology Domain Name System. Okay student, aaj hi hamara part 7 hai Internet Terminology ka, jisme hum student jo hai domain name system padhenge ki domain name system kya hote hain. Aur ye hamara part 7 hai student, humne isse pehle jo hai Fundamental of Computers BBA 5th semester mein part 6 mein humne student email padha. और ईमेल क्या होता है, ईमेल की क्या हिस्ट्री थी, ईमेल कब बना, कैसे और ईमेल हम कैसे भेजते हैं, ईमेल के क्या पार्ट्स हैं, तो हमने ईमेल के बारे में जो है सारे स्टेप हमने पढ़े और हमने इसको समझा. तो स्टूडेंट इसकी सीक्वेंस में आज हम डोमेन नेम सिस्टम के बारे में जानेंगे. भाई डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है और कैसे ये मतलब डोमेन नेम सिस्टम क्या होते हैं, कितने टाइप से होते हैं, कौन कौन से होते हैं. ठीक है स्टूडेंट, इसको आज हम जानेंगे. इंटरनेट टेक्नोलॉजी में ये हमारा पार्ट 7 है. देखिए स्टूडेंट, जब भी कभी हम स्टूडेंट कोई हम ब्राउजर जैसे हमने ओपन किया और ब्राउजर को ओपन करने के बाद हम कोई वेबसाइट हम ओपन करते हैं, तो स्टूडेंट वेबसाइट ओपन करने के लिए हमें उसका जो है उसका हमें एड्रेस हमें पता होना चाहिए. मान लो उसको बोलते हैं यूआरएल, यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. सपोज दैट जैसे आपने स्टूडेंट कोई वेबसाइट खोली HTTP लिखते हैं www. जैसे आपने जैसे हमने हमने खोला mjpru.ac.in. ये स्टूडेंट यूआरएल है आपका रोहिलखंड, जो आपकी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी है उसका ये यूआरएल है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी एड्रेस है, यानी कि HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल वर्ल्ड वाइड वेब डॉट MJPRU महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी .ac.in. अब देखिए स्टूडेंट लास्ट में यहां पे लिखा है .ac.in. ये स्टूडेंट क्या है, यही स्टूडेंट आपका कहलाता है डोमेन नेम सिस्टम. यानी स्टूडेंट से ये पता चल रहा है कि ये जो है वो वेबसाइट किस प्रकार की है, किस टाइप की है. तो कहना मतलब क्या है, एसी का मतलब क्या होगा स्टूडेंट, हो गया एकेडमिक, एन का मतलब हो गया इंडिया, इसमें है इंडिया में है. ठीक है, तो डोमेन नेम सिस्टम स्टूडेंट क्या करते हैं कि भाई एक तो ये कंट्री कोड को स्टूडेंट करते हैं रिप्रेजेंट, कंट्री कोड और जेनरिक कोड. यानी स्टूडेंट हमारे जो डोमेन नेम है मतलब दो प्रकार के स्टूडेंट जो है हम जो है डोमेन नेम हम यूज करते हैं, इसको हम बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन. क्या बोलते हैं स्टूडेंट, टॉप लेवल डोमेन. यानी कि जो हमारे टॉप लेवल जो स्टूडेंट डोमेन है वो स्टूडेंट जो है वो हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जेनरिक, दूसरा होता है कंट्री कोड. जेनरिक एंड कंट्री कोड, जेनरिक और कंट्री कोड. ठीक है, जेनरिक और कंट्री कोड दो प्रकार के स्टूडेंट जो होते हैं वो हमारे डोमेन नेम होते हैं. तो हम कह सकते हैं कि भाई क्या नाम है कि जैसे कि हम कह सकते हैं कि एवरी डोमेन नेम एंड्स इट्स टॉप लेवल डोमेन व्हिच इज ऑलवेज आइदर वन ऑफ स्मॉल लिस्ट ऑफ जनरल नेम्स टू कैरेक्टर कंट्री कोड. अब देखो स्टूडेंट इसमें टू कैरेक्टर कंट्री कोड डॉट इन, दो ही कैरेक्टर है, इनका मतलब हो गया इंडिया. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टॉप लेवल डोमेन्स, जेनरिक एंड कंट्री कोड. दो प्रकार के टॉप लेवल डोमेन होते हैं, जेनरिक कोड और जेनरिक और कंट्री कोड. जेनरिक डोमेन्स आर क्रिएटेड फॉर यूज बाय इंटरनेट यूजर्स एज पब्लिक डोमेन नेम कन्वर्शन अकॉर्डिंग टू कंटेंट एंड सर्विसेज, वाइल कंट्री कोड यानी कहने मतलब जो स्टूडेंट जेनरिक डोमेन्स होते हैं वो इंटरनेट यूजर के द्वारा जो है बनाए जाते हैं, पब्लिक डोमेन कराते हैं कन्वेंशन अकॉर्डिंग टू द कंटेंट एंड सर्विसेज, जो भी सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं. तो जेनरिक कोड जो होते हैं वो यूजर के द्वारा वो बनाए जाते हैं, जिस प्रकार की वो सर्विस दे रहे हैं, जिस प्रकार के वो कंटेंट्स को बना रहे हैं. वाइल कंट्री कोड डोमेन्स आर क्रिएटेड टू बी यूज बाई ईच इंडिविजुअल कंट्री. और जो स्टूडेंट हमारे कंट्री कोड है वो कि जो कंट्री कोड जो होते हैं वो कंट्री कोड के मतलब जो है वो इंडिविजुअल कंट्री यानी अलग अलग कंट्री के द्वारा बनाए जाते हैं. वाइल कंट्री कोड डोमेन्स आर क्रिएटेड टू बी यूज बाई ईच इंडिविजुअल कंट्री एज दे डीम्ड नेसेसरी टू मैनेज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिक्वेस्ट द जेनरिक. तो स्टूडेंट जेनरिक हमारे कौन कौन से हो गए स्टूडेंट, देखिए जेनरिक कोड हमारे कौन कौन से कहलाते हैं. तो जेनरिक जो हमारे यानी कि हम कह सकते हैं कि टॉप लेवल डोमेन में जो हमारे जेनरिक डोमेन तो वो हमारे कौन कौन से होते हैं. तो जेनरिक स्टूडेंट हमारे जो आते हैं वो हमारे कौन कौन से होते हैं, वो हमारे होते हैं वो स्टूडेंट हमारे होते हैं .com, क्योंकि लास्ट में हम लिखते हैं .com हो गया हमारा, .org, .net, .edu, .gov और etc. तो ये स्टूडेंट हमारे कहलाते हैं आपके जेनरिक कोड. ठीक है स्टूडेंट,
इसको हम बोलते हैं जनरिक कोड। और कंट्री कोड स्टूडेंट्स हमारे क्या होते हैं, इसको हम बोलते हैं यानी कंट्री कोड टॉप लेवल। तो कंट्री कोड हमारे क्या होगा स्टूडेंट, कंट्री कोड हमारे हो गए .in यानी कि इंडिया, ये हो गया .uk यानी कि यूनाइटेड किंगडम, ये उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे यूनाइटेड किंगडम को फॉर यूके, हैं जेपी फॉर जापान, जेपी फॉर जापान, यूएस फॉर यूनाइटेड स्टेट्स, एंड MY for Malaysia। ऐसे ही स्टूडेंट और हमें UAE यानी कि .UAE भी हम लिखते हैं .UAE यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ओके स्टूडेंट ये कोड हो गया आपके इंडिया के लिए, ये हो गया यूनाइटेड किंगडम के लिए, ये हो गया जापान के लिए, ये हो गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए, यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, ये मलेशिया के लिए MALAY मलेशिया, और ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, और ये आपके .com फॉर कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क एजुकेशनल और गवर्नमेंट। तो इसको भी मैं हम एक बार इसको हम जान लेते हैं कि कौन कौन से हैं। तो एक कंप्लीट है, इसको हम बोलते हैं यानी कि यूज बाय पर्टिकुलर क्लास ऑफ करिकुलम कंप्लीट एग्जांपल यानी कि जनरिक कोड के। ईडीयू का मतलब स्टूडेंट क्या हो गया, यानी ईडीयू का स्टूडेंट जो है आपका मतलब हो गया, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ईडीयू की। तो ईडीयू का मतलब क्या हो गया, फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। edu.gov का मतलब क्या हो गया, इट इज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है .gov.net इसका मतलब क्या हो गया, फॉर टेक्नोलॉजी एंड नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन, फॉर टेक्नोलॉजी एंड नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है .net का मतलब हो गया, .mil का मतलब हो गया इट इज यूज फॉर यूएस मिलिट्री इंस्टीट्यूशन, यूएस मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस। ठीक है मिल .com फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड .info फॉर इंफॉर्मेशन, .info फॉर इंफॉर्मेशन एंड अनरिस्ट्रिक्टेड यूजर्स, इंफॉर्मेशन एज अनरिस्ट्रिक्टेड यूजर्स, उस टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इन्फो। इधर मैं स्टूडेंट लिख देता हूं और भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है फिर हम यूज करते हैं इन्फो हो गया, प्रो हो गया .pro, .pro फॉर प्रोफेशनल, प्रोफेशनल के लिए यूज करेंगे, .biz फॉर बिजनेस पर्पस के लिए यूज करेंगे, एंड .museum फॉर म्यूजियम, ऐसे ही कॉपरेटिव। तो स्टूडेंट ये जो हमारे इंस्टीट्यूशन है, ये हमारे जनरिक, ये हमारे जो है जनरिक कहलाते हैं। मतलब edu का मतलब क्या हो गया, ये स्टूडेंट हमारे जो है एजुकेशनल वेबसाइट हो गई, यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन .government जैसे कि .com। इसमें हम बात करते हैं आपका जो है जो हमारा आपका स्टूडेंट एक ऑपरेशन है NALET यानी कि जो स्टूडेंट आपका जो ट्रिपल सी और ओ लेवल के एग्जाम्स कराता है NALET, तो स्टूडेंट जो NALET का जो स्टूडेंट URL है यानी कि हम उसको www.nalet.gov.in। तो जीओवी मतलब क्या होगा, जीओवी मतलब हो गया गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कहाँ है इंडिया के अंदर है, ठीक है।
तो gov.net फॉर टेक्नोलॉजी एंड नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन, मिल का मतलब होगा यूएस मिलिट्री, .com फॉर कमर्शियल जैसे हम लिखते हैं, www.google.com हम लिखते हैं, www.amazon.com है ना, flipkart.com, तो ये सब कमर्शियल वेबसाइट, कमर्शियल यानी कि व्यवसाय के लिए जो वेबसाइट यूज की जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये स्टूडेंट हमारे डोमेन होते हैं। जैसे हम बात करें, ये जनरल डोमेन हो गए। कंट्री कोड का मतलब क्या हो गया कि कंट्री कोड स्टूडेंट शो करता है कि हमारी जो है वेबसाइट कहाँ पे शो हो रही है। कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन, टॉप लेवल ग्लोबल डोमेन नेम सिस्टम आर असाइंड टू अकॉर्डिंग टू 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 लेटर्स कोड ISO 3166 स्टैंडर्ड फॉर्मेट रिप्रेजेंट नेम ऑफ द कंट्रीज और टेरिटरीज इन कंसिस्ट ऑफ टू लेटर कोड। तो ये टू लेटर कोड में हम यूज करते हैं, टू लेटर कोड के लिए ही ज्यादातर ये जाने जाते हैं। ठीक है, तो टू लेटर कोड में ही ज्यादातर ये लिखे जाते हैं। डिफॉल्ट भी होते हैं UAE है, तो यूनाइटेड में तीन लेटर होने में ज्यादातर दो का ही यूज हम करते हैं। तो ये स्टूडेंट हमारे क्या कहलाते हैं, ये स्टूडेंट हमारे जो है डोमेन नेम कहलाते हैं, दीज आर द डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो आपका EDU है, GOV है, नेट है, मेल है, ORG है, .com है, ये हमारे सिक्स टॉप लेवल डोमेन्स कहलाते हैं जो कि 1885 में इम्प्लीमेंटेड हुए, 1885 में, और ये उसके बाद के जो है ये बाद में हुए हैं। तो ये टॉप लेवल डोमेन कहलाते हैं EDU, GOV, नेट, मेल और ORG और .com। ठीक है ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आज हमने जो है स्टूडेंट जो है इंटरनेट टेक्नोलॉजी में डोमेन नेम सिस्टम को स्टूडेंट पढ़ा। डोमेन नेम क्या होते हैं, क्योंकि आप जब भी कभी आपने स्टूडेंट वेबसाइट के ये मतलब जो है लास्ट में आपने देखा, जरूर देखा होगा, तो स्टूडेंट आज आपको पता चला होगा ये क्या होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, .ac.in है। अब जैसे मान लो हम ले सकते हैं www.google.com, amazon.com, जैसे मैंने भी आपको बताया, flipkart.com, ठीक है, और भी स्टूडेंट आपके जैसे हमने www.sarkaririzult.com है ना, तो ये स्टूडेंट जो है हमारी जो है वेबसाइट .jet.gov.in.edu, तो ये सब से हमें पता चलता है कि वेबसाइट किस किस टाइप की है और किस कंट्री में एग्जिस्ट कर रही है। ओके स्टूडेंट, तो हमने सर बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने टॉपिक कंप्लीट किया, फंडामेंटल कंप्यूटर्स BBA फिफ्थ सेमेस्टर में इंटरनेट टेक्नोलॉजी हमारा टॉपिक में डोमेन नेम सिस्टम। ओके स्टूडेंट, तो आप स्टूडेंट लेक्चर देखिए और लेक्चर देखिए फिर आप स्टूडेंट्स के नोट्स बनाइए। ठीक है, तो जनरिक डोमेन स्टूडेंट ये है, कंट्री कोड हमारे ये है। ठीक है ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।